अच्छा गाता है हम सभी जानते हैं, लेकिन हर बार ये इतना बड़ा कमाल करता है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीबॉडी। और आज तो बनता ही था, आज माता जी पहली बार हमारे सेट में आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, तालियां होनी चाहिए। लेकिन जजेस आज खड़े हुए हैं, नेहा, विशाल सर, अनु सर, कंप्लीटली इमोशनल, मैं देख रहा था हमारे गेस्ट अभी तक बैठे नहीं है। हमारे जज जिन्हें सब बड़ा स्ट्रिक्ट बोलते हैं, लेकिन आज उन्हें इमोशनल होके हमने रोते देखा है। विशाल सर, ओके, आपके गायकी के बारे में कुछ बोलने को बाकी ही नहीं है। आप हर बार आते हो, आप हर बार बहुत अच्छा गाते हो, आपको कुदरत ने देन बख्शी आपकी आवाज के रूप में, और आज मुझे ये भी पता पड़ा कि उससे एक बड़ी बात आपको बख्शी गई है कि आपको मौका मिला कि आप अपनी मां की सेवा करें। मेरे लिए भगवान ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे लिए मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं अपने माता जी को, अपने पिताजी को, मैं संगीत को मानता हूं, और ये तीनों चीजें आप पे मेहरबान है, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। कांग्रेचुलेशन। सलमान, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आई थिंक आप खुदा के बंदे हैं, भगवान ने आपको भेजा है, और मुझे लगता है गायकी का नाम सलमान अली है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सलमान, आज माँ आपकी यहाँ आई हुई है, मैं चाहूंगा कि अगर हो सके आप अपनी माँ को बुला लें, अगर आप प्लीज मंच पर आए। जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी, एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे। तुम आज भी कोई साहबों को बहुत सलाम, मेरे पूरे इलाका, पूरे मेवात, पूरी हरियाणा, मेरे पूरे देश को सबको सलाम। ये मेरे सलमान बेटा है जो 8 साल से चालू कर दिया गाना बजाना, तो मैं 20,000-15,000 में 5-5, 6-6 महीना, 7-7 महीना के लिए भेज दी। मेरा बेटा सदा दूर रहा, मेरे पास नहीं रहा, तो मैं अपना बेटा से माफी मांग रही हूँ, मैं अल्लाह से माफी मांग रही हूँ। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मैं वो बेटा माफ कर, मैंने तू सदा बाहर ही रहा।